हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मिरेकल ऑफ लिटरेचर। आइए आज हम लोग जो है सेमेस्टर 5 का जो आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है 27 फरवरी, उसका जो है नेचर एंड लिटरेचर का जो है डीएससी पेपर 2 का आज हम लोग गैस क्वेश्चन देखेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। और यहाँ पर जो है जो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं डीएससी 2 है नेचर एंड लिटरेचर, जो आपका काफी क्वेश्चन इस बार जो है आप लोगों को मदद करने वाला है। और यहाँ पर देखिए दो यूनिट में आपका यहाँ पर है, जो दोनों यूनिट आपका कितना कितना मार्क्स का है, आपका 40-40 मार्क्स का है, समझिए ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा डियर स्टूडेंट्स आपका, इंक्लूडिंग आपका एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर के ये 40 मार्क्स का है एक यूनिट आपका, यूनिट 1 और फिर यूनिट 2 भी आपका 40 मार्क्स का इंक्लूडिंग आपका एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर के है ना। तो आज आइए हम लोग इसमें ब्रिटिश पोएट्री में क्या है कि राइट ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द डैफोडिल्स, ये डैफोडिल्स पोयम के बारे में क्रिटिकल अप्रिसिएशन। और इसी का हमारा जो है सेकेंड टाइटल है आई वेंडेड लॉनली एज ए क्लाउड, समझिए ना, आई वेंडेड लॉनली एज ए क्लाउड इसका सेकेंड टाइटल है। ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आपका पूछ भी सकता है, समझिए ना, कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द आपका डैफोडिल्स, डैफोडिल्स का यहाँ पर क्या टाइटल है। आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, आपका डीएससी पेपर 1 में 2 डैफोडिल पढ़े, लेकिन अभी जो है डैफोडिल्स पढ़ रहे हैं विलियम वॉर्ड्सवर्थ का, 2 डैफोडिल्स आप लोगों का रॉबर्ट हैरिक का पढ़ना था, लेकिन ये आपका विलियम वॉर्ड्सवर्थ का पढ़ना है। तो एक पोयम यहां हो गया, दूसरा राइट ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोयम आपका द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ये कमोवेश आपका सारा जो है आपका विलियम वॉर्ड्सवर्थ का पोयम है। तो 3 विलियम वॉर्ड्सवर्थ पोयम में आपको एटलीस्ट जो है आपको 2 लिखना ही पड़ेगा, वहां पर 2 लिखिए या तो 1 लिखिए आपका। और वॉर्ड्सवर्थ एज ए पोएट ऑफ नेचर, ये वाला भी जनरल क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा कि वॉर्ड्सवर्थ एज ए पोएट ऑफ नेचर को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, जनरल क्वेश्चन में ये आएगा, समझिए ना। आप लोग सारा पोयम वाला ही लिखते हैं, कभी कभी आप लोग जो है जनरल क्वेश्चन भी उसको लिखा कीजिए डियर स्टूडेंट्स। अब थर्ड क्वेश्चन है राइट ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोयम आपका द सोलेचरी रीपर, ये सोलेचरी रीपर का आपका जो है पोयम है जो काफी इंपॉर्टेंट है, समझिए ना। तो यहाँ पर विलियम वॉर्ड्सवर्थ का 3 पोयम्स हम लोग, डैफोडिल्स हो गया और आपका द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस हो गया और फिर आपका द सोलेटरी रीपर, ये आप लोगों को करके जाना है 3। और चौथा क्वेश्चन में आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 में, 4 क्वेश्चन में इसमें क्या है यूनिट 2 में, यहाँ पर डीएससी, हाँ डीएससी 2 का ही चल रहा है ये। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में आपका जो है आपका एसटी कॉलरीज का पोयम है, समझिए ना। तो एसटी कॉलरीज का आपका जो लग रहा होगा कि सर आप 4 नंबर में बहुत सारा ढेर सारा क्वेश्चन दे दिए, तो घबराने वाला बात नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन तो है जरूर, लेकिन सबका आंसर एक ही है। और ये मेरा एप्लीकेशन पर आपका फ्री में जो है नोट्स अपलोड किया गया है, या तो आप लोगों को जो है क्वेश्चन को देख करके जो है आप आंसर आप कर सकते हैं, आप मेरा एप्लीकेशन पर ऑलरेडी है ना। तो राइट ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोयम आपका राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर का क्रिटिकल अप्रिसिएशन करना है डियर स्टूडेंट्स। और कहता है डिस्कस द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एज ए पोयम ऑफ सुपरनेचुरल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी में से आप लोगों का एक क्वेश्चन आएगा, विलियम वॉर्ड्सवर्थ का आप लोग जब एग्जाम में लिखेंगे तो आप लोगों को 2-2 क्वेश्चन लिखना रहेगा। तो ऐसा आप गलती ना करें कि विलियम वॉर्ड्सवर्थ का डायरेक्ट 2 लिख लें, विलियम वॉर्ड्सवर्थ का 1 लिखिए और 1 एसटी कॉलरिज का लिखिए, ज्यादा आपका बेटर रहेगा, समझिए ना। आपको मैं मना नहीं करता हूं, विलियम वॉर्ड्सवर्थ से भी आप चाहेंगे तो 2 लिख सकते हैं, इसमें कोई इतराज की बात नहीं है, ये आपकी पसंदगी की बात है। डिस्कस
द थीम ऑफ मॉरलिटी, थीम ऑफ मॉरलिटी बोल रहा है ऑफ द पोएम राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, और डिस्कस द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एज ए पोएम ऑफ द क्राइम एंड पनिशमेंट। तो ये चार क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा नहीं है, लिखना है आप लोगों को दो ही क्वेश्चन लॉन्ग, लेकिन आप लोगों को चार करके जा रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझिए ना। एटलीस्ट आपको यू हैव टू प्रिपेयर ओनली फोर क्वेश्चंस, आपको फोर क्वेश्चन करके जाना है इस यूनिट फर्स्ट में, समझिए ना। और ये इतना सारा क्वेश्चन देख रहे हैं ना, एक मात्र क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन का आंसर आपका एक ही में है, जो बड़ा इजी लैंग्वेज पर मेरा जो एप्लीकेशन पर अपलोड है। और फिर आप लोगों का 12 नंबर का एमसीक्यू पूछेगा, आप लोग जो है पैसा बचाने के चलते जो है 49 रुपये के चलते बहुत लोग जो है एमसीक्यू नहीं आप लोगों ने खरीदा, देखा आप लोगों का एक एक दो दो नंबर काफी मायने रखता है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन आप लोग सोच रहा होगा कि लास्ट पेपर है तो हम 50 रुपये क्यों खर्चा करें, लेकिन वो आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा, समझिए ना। अभी भी मेरा एप्लीकेशन पर है, आप उसको जाकर के बाय कर सकते हैं, समझिए ना। अब यूनिट टू में आ जाते हैं हम लोग, यूनिट टू में, यूनिट टू की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए यूनिट टू में हम लोगों को पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक पढ़ना है, समझिए ना। तो पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक जो है एनी दिलाड का द्वारा लिखा गया, बहुत आपका खूबसूरत खूबसूरत वीडियो है, समझिए ना। और ये जो है आपका सॉरी खूबसूरत वीडियो नहीं, आपका खूबसूरत ये बुक है, समझिए ना, आपका द पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक जो एनी दिलाड के द्वारा लिखा गया है। और इसमें भी आपका जो है इससे आपका दो लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा 40 मार्क्स का, मतलब कि आपका 16 नंबर का आपका इसमें पूछेगा डियर स्टूडेंट्स। लेकिन आपका जो है दो क्वेश्चन के लिए आपको एटलीस्ट जो है आपका चार क्वेश्चन नहीं तो आपको 3 क्वेश्चन आप लोगों को यू हैव टू डू, आपको 3 क्वेश्चन जो है एटलीस्ट करना ही पड़ेगा, समझिए ना। तो वही कह रहा है कि आपका पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक आपका है, आप क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे, कहता है राइट डाउन द प्लॉट कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ द पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक, आपका प्लॉट स्ट्रक्चर और ये जो है प्लॉट पूछा है किसका, आपका इसका पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक का। दूसरा क्वेश्चन में आ जाते हैं, डिस्कस वेरियस थीम्स ऑफ पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक, ये टिंकर क्रीक का जो है बहुत सारा किस मतलब के विषय वस्तु पर ये एनी दिलाड ने जो है टिंकर क्रीक को लिखी है। अब थर्ड में आज हम लोग थर्ड में क्वेश्चन में आते हैं, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन और समरी ऑफ द पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक और डिस्कस द ट्रांसडेंटलिज्म इन पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक और डिस्कस एनी दिलाड एज ए नॉन फिक्शनल प्रोज राइटर विथ स्पेशल रेफरेंस टू आपका विथ स्पेशल रेफरेंस टू आपका जो है पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक, समझिए ना। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग जो है कि कोई घबराने की बात नहीं है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इसमें मात्र 3 क्वेश्चन आप लोगों को जो है दिया जा रहा है, और 3 ही क्वेश्चन में आप लोगों को जो है करके जाना है, और 3 क्वेश्चन से आप लोगों को 2 क्वेश्चन लिखकर के आना है। और सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात क्या है कि मैं इसका वीडियो जो है बनाने वाला हूं, मतलब कि बना करके 3ों क्वेश्चन का विथ आंसर विथ नोट्स के साथ में आप लोगों को मैं यूट्यूब में डाल दे रहा हूं, आप लोग जो है वीडियो को सर्च करके देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक का जो है वो मटेरियल अवेलेबल नहीं हो रहा है और बहुत ये डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं आप लोगों का जो है डिफिकल्टीज को सॉर्ट आउट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स मैं 3ों क्वेश्चन का आप लोगों का मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूं। और बहुत सारे लोग जो है पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक पढ़ाए हैं, लेकिन वो बहुत टफेस्ट लैंग्वेज ला, उन लोग क्या करते हैं कि देखते हैं गूगल से लेकर के जो है डायरेक्ट वो चीज को लिख देते हैं। आपका पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक में आपका जो है 15 चैप्टर है, लेकिन यूट्यूबर्स लोग जो है बहुत सारा जो है वो बोल रहे हैं कि मात्र 13 चैप्टर्स है, और ये बहुत आपका अच्छा बुक है, ये
आपका नॉन फिक्शनल प्रोज है और जो रियल रियलिस्टिक स्टोरीज पर रियल ऑब्जर्वेशन है किसका, एनी दिलाड़ का, तो उसको हम लोग इसमें करेंगे। और आप लोगों का ये तो आपका गैस क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ेंगे और आप लोगों के पास काफी समय है। कभी कभी क्या होता है ना कि काफी समय मतलब मिलने से लोग भाग जाते हैं, लेकिन आप लोगों को भागना नहीं है, आपको सही तरीके से आप तैयारी करना चालू कर देंगे और आपका जो है वीडियो भी ये आपका तीनों पार्ट आप लोगों का जो है एनी दिलाड़ का मिल जाएगा और वो भी काफी सिंपल लैंग्वेज में और बड़ा अच्छा तरीके से आप लोगों को समझाया है। आप लोगों को नोट्स के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, नोट्स आप उसी से भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेकिन एक चीज और थोड़ा सा रह गया है कि मैं आप लोगों का सेमेस्टर सिक्स के लिए जो है 1 मार्च से आप लोगों का बैच स्टार्ट मैं कर रहा हूं, तो आप लोग ये फेर में मत रहिएगा कि हम घर जाएंगे या तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं। लेकिन लास्ट है बट नॉट लिस्ट डियर स्टूडेंट्स, बोला जाता है कि अंत भला तो सब भला, इसलिए आप लोगों का बहुत ज्यादा फी इस बार नहीं रखेंगे, मामूली सा फी रखेंगे और आप लोग जो है 6 सेमेस्टर में 1 मार्च से आप जरूर मतलब के पार्टिसिपेट करें क्लास में। ऑफलाइन क्लासेस होगा इसके लिए, ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा नहीं है। ऑनलाइन आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा क्योंकि आप लोगों का एग्जामिनेशन में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में पता किया तो आप लोगों का एग्जामिनेशन जो है मई में हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, और 4-4 पेपर का लोड संभालना बड़ा मुश्किल है अपने से करना, समझिए ना। इसके लिए आप लोगों को गाइड करेंगे और ये आपका जो है पूरा वर्ल्ड लिटरेचर है इसमें, सब ये ना सातों आपका कॉन्टिनेंट का, सातों महादेश का एकक आपका बुक है और हर एक यूनिट में एटलीस्ट जो है पिछले बार आप लोग जो है एक यूनिट में एक बुक पढ़ रहे थे, लेकिन सेमेस्टर 6 में एक यूनिट में दो दो बुक पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स। तो इसके लिए आप लोग जो है आप जरूर बात करें, समझिए ना, और जरूर विजिट करें और मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है क्लास जरूर करें क्योंकि इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं तो आप लोगों के पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, और एग्जाम होने के बाद आपका आंसर जो है ऑब्जेक्टिव का आ जाएगा और पेपर एनालिसिस भी करेंगे, उसके लिए भी आप लोग जो है वीडियो पर बने रहेंगे। और एक चीज हमको दुख होता है कि आप लोग लाइक भी और कमेंट्स भी नहीं करते हैं, कम से कम आपको उतना बेनिफिट होता है, मैं आपके लिए दिन रात करके मेहनत करता हूं, तो कुछ सही गलत कमेंट आप लोग जरूर कर दिया कीजिए, कम से कम ये मेरा इतना लगेगा कि चलो बच्चे लोग जो है इंटरेस्टेड हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।